और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं अंबेडकर नगर, जहां अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं। ये बीजेपी के लोग कहने को तो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है उनकी, कभी कभी बीजेपी के लोग फोन करवा करके सदस्य बनाते हैं और सदस्य बना के ये दावा करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आज 5 साल के बाद और डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से काम किया है और जनता को धोखा दिया है, उससे लग रहा है कि दुनिया में इनसे झूठी पार्टी कोई नहीं है जैसी भारतीय जनता पार्टी की है। इनके नेताओं ने वादा किया कि जब सरकार बनेगी उनकी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं? और जब खाद लेने गए होगे तो आपको खाद नहीं मिली, डीएपी नहीं मिली, और अगर खाद की बोरी मिल भी गई होगी तो बताओ खाद की बोरी से 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये बीजेपी के लोग बोरी की चोरी कहां से सीखे हैं। आपने कभी पार्ले जी का बिस्किट पैकेट खरीदा है? और जब पहले खरीदा करते हो गए तो इतना बड़ा था, जैसे जैसे उन्हें महंगाई हुई और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया तो पैकेट छोटा होता चला गया। बताओ जो इतना बड़ा पैकेट था, अब इतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लगता है बीजेपी के लोगों ने चोरी वहीं से सीखी है। और याद रखना, अभी तो 5 किलो चोरी कर रहे हैं, अगर इन्हें दोबारा मौका मिल गया तो 10 किलो की चोरी कर लेंगे, 10 किलो की। सावधान हो कि नहीं हो? और डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं? और पेट्रोल 100 के पार हो गया? हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, खड़ी हैं, बताओ गैस का सिलेंडर जो पहले फ्री मिला था महंगा हो गया कि नहीं हो गया? क्या हमारी माताएं बहनें गैस सिलेंडर भरवा पा रही हैं? सबने खाली रख लिया और कुछ घरों में हमारी माताएं बहनों ने उसके ऊपर सामान रख लिया और खाना पहले जैसा ही बनने लगा। बताओ महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और इनके नेताओं को आपने देखा होगा, जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तो ये घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे, घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर। और जब से हमारी माताओं बहनों ने बीजेपी के लोगों को लाल वाला सिलेंडर दिखा दिया, तब से वो अब घर घर नहीं जा रहे, दूर से ही प्रचार कर रहे हैं। और उनको प्रचार करते हुए देखा होगा कि जब वो पर्चे बांट रहे थे तो ऐसा लग रहा था पर्चे के संग वो थूक भी बांट रहे हैं। बताइए नौजवानों, 5 साल से इंतजार कर रहे हो, नौकरी मिली, रोजगार मिला, और 5 साल तो नहीं इंतजार करोगे? बाबा जी ने तो कहा कि सबको नौकरी दे दी, उनके बड़े बड़े विज्ञापन आए हैं जिसमें है कि सबको नौकरी दे दी, लाखों नौकरी दे दी। बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं
वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। इधर बाबा जी को देखा आपने, उनको टीवी में देख लो, उनके चेहरे पे 12 बज गए कि नहीं बज गए। वो हमें कह रहे थे कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, और जब से उन्होंने कहा है कि 12 बजे सो के उठते हैं, तब से हम भी उनके घर पर नजर रख रहे हैं। और आजकल शाम को दिखाई देता है, जैसे ही शाम होती है तो धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। और जब से चार चरण का चुनाव खत्म हुआ है और पांचवें चरण का कल खत्म हुआ है, बाबा मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रही है। रात में जग जाते हैं, फिर धुआं मांगते हैं। और अभी कुछ दिन पहले मैंने पुताई वाले उनके घर के पास जाते देखे। मैंने रोक के पूछा, पुताई वालों कहाँ जा रहे हो? तो वो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लग गए, उन्हें पोतने जा रहे हैं। बताओ बाबा जी गोरखपुर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? उन्होंने टिकट बुक कर ली अपनी कि नहीं कर ली? और वो नया गाना भी आ गया, यूपी में काबा आया गाना कि नहीं आया? और इस बार यूपी में काबा होगा, बाय बाय बाबा बा।